उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कहा जाने वाला अतीक अहमद और उसके भाई को जिस तरह से पुलिस हिरासत में गोलियों से भून दिया गया, जिस तरह से अतीक अहमद के ऊपर तीन लड़कों ने मिलकर 18 राउंड गोलियां बरसाया और वारदात पर ही अतीक अहमद और अशरफ को मौत की घाट उतार दिया। दोस्तों, ये घटना न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है बल्कि पूरे देश भर के लोग इस बात का चर्चा कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार किस तरह से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मारा गया और जिन तीन लड़कों ने उनके ऊपर फायरिंग करा था उन तीनों का क्या कहानी है, तीनों कहां कहां का रहने वाला है, सब कुछ आपको एक एक करके बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अतीक अहमद और अशरफ को मारने के लिए जिस पिस्तौल का इस्तेमाल करा गया था वो देसी पिस्तौल था या फिर विदेशी पिस्तौल था, आपको वो भी बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को जिस तरह से वारदात पर ही मौत के घाट उतार दिया गया, 15 अप्रैल 2023 शनिवार रात के करीब 10:30 बजे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को अस्पताल लाया जाता है। दोनों का मेडिकल चेकअप करवाना था और दोस्तों उसी दौरान होता यह है कि जितने भी मीडिया कर्मी होते हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि अतीक अहमद आएगा तो उससे थोड़ा बहुत पूछताछ कर लेंगे, उन लोगों को थोड़ा बहुत बाइट लेना था। वहीं दोस्तों बताया जाता है ये तीनों, जिसमें कि एक का नाम लवलेश बताया जाता है, दूसरे का नाम सन्नी और तीसरे का नाम बताया जाता है अरुण मोरिया है, तो ये तीनों जो कि धाक लगाए बैठा था कि अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ आएगा और उसके ऊपर फायरिंग करना है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले भी इन लोगों ने ये दिमाग लगाया था कि आखिरकार अतीक अहमद को हम लोग मारेंगे कैसे। दरअसल बताया जाता है पिछले दो दिनों से ये लोग रेकी कर रहा था, पिछले दो दिनों से ये लोग प्रयागराज के अलग अलग जगहों पर अतीक अहमद और अशरफ को मारने का प्लानिंग कर रहा था। पहले दोस्तों इन लोगों ने सोचा कि अगर कोर्ट के अंदर मारते हैं तो शायद हो सकता है कि हम लोगों का प्लानिंग जो कि फेल हो जाएगा, तो दोस्तों इस तरह से ये लोग कोर्ट के अंदर उसके ऊपर हमला नहीं करा। अब वहीं अगर बात करा जाए तो इन लोगों ने ये भी प्लानिंग करा कि पुलिस वैन के अंदर ही इनको मार देंगे, दोनों भाइयों को पुलिस वैन के अंदर ही समाप्त कर देंगे। लेकिन दोस्तों, पुलिस वैन के अंदर भी ये लोग फायरिंग नहीं करता है, फिर बाद में ये तीनों प्लानिंग करता है कि जब अतीक अहमद को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल लाया जाएगा उसी दौरान उसके ऊपर हमला करेंगे। लेकिन दोस्तों, उस वक्त भी एक प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ये था कि ये तीनों जो कि अतीक अहमद के नज़दीक नहीं जा सकता था क्योंकि अतीक अहमद के नज़दीक केवल वही जाता जो मीडिया कर्मी होता और ये तीनों शूटर जो कि कोई मीडिया कर्मी तो था नहीं। तो बताया जाता है दोस्तों इन लोगों ने प्लानिंग करा कि मीडिया कर्मी का भेष धारण करना है, तो इस तरह से इन लोगों ने एक डमी कैमरा खरीदा। डमी कैमरा खरीदने के बाद इन लोगों ने एक माइक खरीदा, NCR न्यूज़ करके कुछ ऐसा ही माइक था, और फिर ये लोग मीडिया कर्मी के ड्रेस में जितना भी जो कुछ होता है सारा का सारा चीज़ एकदम ड्रेस कोड का पालन करके ये लोग वहाँ पहुँचता है। और पहुँचने के बाद जैसे ही अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ वैन से निकलता है तो पुलिस वाले भी साथ साथ आ रहे होते हैं। ये तीनों अतीक अहमद के नज़दीक पहुँचता है और सबसे पहले बताया जाता है लवलेश नाम का जो ये लड़का होता है ये अतीक अहमद की कनपट्टी में गोली सटाता है और उसके बाद दोस्तों ये फायरिंग कर देता है। तो इस तरह से अतीक अहमद जो कि पहले गिरता है, फिर उसके बाद अशरफ उसको बचाने के लिए इधर मुड़ता ही है, तब तक में अशरफ के ऊपर भी फायरिंग हो जाता है और इस तरह से अतीक अहमद और अशरफ दोनों को वहीं पर वारदात पर ही मौत की घाट उतार दिया जाता है। तो ये तीनों लड़का जो कि प्लानिंग के तहत दोनों भाइयों को मार देता है। वैसे आपको बता दूं, अतीक अहमद जो कि पिछले 45 वर्षों से उत्तर प्रदेश के अंदर कई तरह का आतंक मचाया था, कई तरह का अपराध करा था और बताया जाता है अतीक अहमद के खिलाफ तकरीबन सैकड़ों से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। साथ ही साथ उसका भाई अशरफ वो भी कई तरह का अपराध कर चुका था। और अभी दोस्तों दो दिन पहले अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ ही था और अभी देखो कि अतीक अहमद को भी मार दिया गया। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि अतीक अहमद को जिन तीन लड़कों ने मारा उन तीनों का क्या कहानी है। अब दोस्तों, तीनों शूटर में सबसे पहले चर्चा करते हैं लवलेश तिवारी का। दोस्तों, लवलेश तिवारी के बारे में बताया जाता है ये उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले का रहने वाला है। और दोस्तों, लवलेश तिवारी के बारे में ये भी बताया जाता है कि साल 2021 में इसने एक लड़की को थप्पड़ मारा था और उसी मामले में पुलिस ने लवलेश को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद लवलेश का अपने परिवार के साथ भी संबंध खराब हो गया था और धीरे धीरे लवलेश को परिवार वालों ने बेदखल भी कर दिया था। तो इस तरह से लवलेश जो कि अपने घर से बाहर ही रहता था, और दोस्तों लवलेश के परिवार वालों का ये भी कहना है कि वो नशेड़ी था, शराब वगैरह पीता था, साथ ही साथ गांजा वगैरह का सेवन करता था, तो कुछ इस तरह से करता था और धीरे धीरे उसका अपराधियों के साथ भी सांठगांठ हो गया था। तो इस तरह से लवलेश तिवारी के परिवार के जितने भी सदस्य थे उसने लवलेश को बेदखल कर दिया था। अब दोस्तों, दूसरा आरोपी का बात करते हैं जिसने अतीक अहमद और अशरफ के ऊपर गोली चलाया था। दोस्तों, दूसरा आरोपी का नाम बताया जाता है सन्नी सिंह है। वैसे सन्नी सिंह इनका नाम जो है सो ये लोग बाहर में जानते हैं, इनका असली नाम बताया जाता है मोहित है। तो सन्नी सिंह का उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बताया जाता है सन्नी सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का रहने वाला है। और दोस्तों, इसके खिलाफ बताया जाता है 15 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। और आप सोच सकते हो, जिस बंदे ने 15 से ज़्यादा अपराध करा हो तो कितना ज़्यादा दिमाग का सनकी होगा। तो बताया जाता है सन्नी सिंह भी लगभग 10 साल से अपने घर से बाहर ही रहता था, यानी कि मोहित जो कि 10 साल से अपने घर से बाहर था
और इसका भी अपने परिवार से कोई अच्छा संबंध नहीं था। और ये बताया जाता है कि जब ये हमीरपुर जेल के अंदर बंद था तो उस वक्त यूपी का एक खतरनाक गैंगस्टर था जिसका नाम था सुंदर सिंह भाटी। तो सुंदर सिंह भाटी का कहानी शायद आप लोग जानते भी होंगे, शायद नहीं भी जानते होंगे। तो दोस्तों सुंदर सिंह भाटी के साथ साथ रह करके बताया जाता है ये सुंदर सिंह भाटी गैंग से जुड़ गया और इस तरह से ये भी अपराधी माइंड का एकदम हो गया। तो दोस्तों सन्नी सिंह उर्फ मोहित, जिसके बारे में बताया जाता है, ये जब सुंदर सिंह भाटी के साथ जेल में कुछ समय तक रहा तो उसके बाद ये उसके गैंग के लिए काम करना शुरू कर दिया और उसके साथ इसका अच्छा वाला कनेक्शन भी हो गया। अब दोस्तों तीसरे आरोपी के बारे में बात करते हैं, इसका नाम बताया जाता है अरुण मोरिया है। अरुण मोरिया के बारे में बताया जाता है इसका आपराधिक रिकॉर्ड उन दोनों से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसके बारे में बताया जाता है इनके माता पिता नहीं हैं और ये उत्तर प्रदेश के कासगंज का रहने वाला है। तकरीबन 6 वर्षों से ये अपने घर से बाहर रहता है। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है ये जो कि कुछ समय पहले एक पुलिस वाले का हत्या कर दिया था। दरअसल JRP थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी जिनका किसने कत्ल कर दिया था। और दोस्तों कत्ल करने के बाद बताया जाता है अरुण मोरिया जो कि अपना घर बार छोड़ करके एकदम फरार हो गया था। तो पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश पुलिस अरुण मोरिया को ढूंढ रही थी और अब तक अरुण मोरिया जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। तो फाइनली जब इसने अतीक अहमद और अशरफ के ऊपर गोली चलाया तो इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और धीरे धीरे अब पुलिस वालों को इसके कुंडली के बारे में भी पता लग रहा है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में बताया तीनों आरोपियों के बारे में कि तीनों आरोपी कौन था, कहां का रहने वाला था, तीनों का क्या क्या आपराधिक रिकॉर्ड है। बाकी मैंने आपको अब तक ये नहीं बताया कि अतीक अहमद और अशरफ को जिस बंदूक से मारा गया, जिस पिस्तौल से मारा गया, वो कौन सा पिस्तौल था। तो बताया जाता है वो तुर्की मेड पिस्तौल था जिसे कि जिगाना के नाम से जाना जाता है जो कि इंडिया के अंदर बैन है। और दोस्तों आपको बता दूं कि तुर्की मेड पिस्तौल का दाम बताया जाता है तकरीबन 6 से 7 लाख के बीच है। वैसे अगर बात करा जाए इन तीनों के बारे में तो तीनों जो कि बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था, गरीब ही है, बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी सबसे अहम सवाल यह आता है कि आखिरकार तीनों के पास 6-7 लाख रुपया कहाँ से आ गया। अब तीनों के पास 3 पिस्तौल, वो भी तुर्की मेड पिस्तौल था, तो आप सोच सकते हो इन तीनों बंदे ने प्लानिंग करा। वैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस को संदेह है कि ये तीनों जो कि किसी न किसी आदमी के लिए काम करता है और तीनों जो कि अलग अलग जगह का रहने वाला है, और जिस अंदाज में इन लोगों ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मारा तो उस अंदाज को यदि आप वीडियो में देखोगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये लोग ट्रेंड नहीं है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि इन लोगों को पहले किसी ने ट्रेनिंग दिया और ट्रेनिंग देने के बाद फिर इन लोगों को भेजा गया, फिर इन लोगों ने अच्छे तरीके से प्लानिंग करा, रेकी करा और फाइनली अतीक अहमद और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया और इस तरह से अतीक अहमद के आपराधिक साम्राज्य को ही इन लोगों ने समाप्त कर दिया। हालांकि आपको बता दूं कि अतीक अहमद को कोर्ट ने उम्र कैद का सजा सुनाया था, तो जहां अतीक अहमद को जेल में रहकर उम्र कैद का सजा काटना पड़ता तो इन तीनों ने अतीक अहमद का उम्र ही समाप्त कर दिया। तो इस तरह का कुछ कहानी था, इस तरह का घटना था, मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि आपको तीनों के बारे में पूरा पता लग गया होगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको तीनों अपराधियों के बारे में पता लग गया होगा कि तीनों का क्या क्या कुंडली है, किस तरह से तीनों ने पहले अपराध कर रखा है और किसने कितना अपराध करा है वो भी आपको पता लग गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और यदि आपको कुछ भी कहना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। बाकी दोस्तों जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ को मारा गया है तो ये तो एक तरह से गैर कानूनी ही है, ये कानून के बिल्कुल विरुद्ध है और ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कोर्ट के आदेश पर पुलिस की हिरासत में उन दोनों को भेजा गया था। तो पुलिस हिरासत में जिस तरह से दोनों का हत्या हुआ है, इस मामले में बताया जाता है 17 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड करा गया है। तो अभी आगे और भी जाँच पड़ताल चल रही है, आगे देखते हैं और क्या क्या खबर निकल कर सामने आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन फेसबुक पेज को फॉलो करना। जय हिंद।